हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे? हाँ जी, हुण तो तुहाडे सारिआं दे नोट्स तैयार है ना। 3 यूनिट हो गए, ऑप्टिक्स के भी 2 चैप्टर हो गए अपने। तो हुण जे मैं तुहानू कहां अपने नोट्स फाड़ दो, सुट दो, इन्हां नू सुट दूंगे बेटे। सारे शॉक्ड हो गए है ना, वीर की कह रहे हैं मैडम। नोट्स सुटने लिए मैं इस करके गल की है कि देखो, तुहानू ऑलमोस्ट मैं लगता अप्रैल तो तुसी नोट्स बना रहे हो, है ना बेटा? सो अप्रैल तो नोट्स बना रहे हो तो तुहानू अपने नोट्स किन्ने प्यारे है, भी असी तो इन्हां नू हुण सारा साल कढ़ना है ना, तो बड़ा प्यार करते अपने नोट्स को। फिर सोचो बेटे, परमात्मा ने जो सानू बनाया है ना, तो असी भी तो वो नोट्स ही है ना, सारे सारे जाने असी वो बच्चे हैं। किन्ने प्यार ना सानू बनाया उन्हें, है ना? तो इस करके किसी बच्चे ने घबराना नहीं है। थोड़ा जहा औखा टाइम चल रहा है, मैनू भी पता है, लेकिन असी अपना काम करी जाना है ना। ये सोच के कि जिदा असी अपने नोट्स में बहुत प्यार करते हैं ना, तो परमात्मा भी सानू बहुत प्यार करता है, ठीक है ना बेटे? वो साढ़े नाल कभी कुछ गलत नहीं होण देगा, बस तुसी किसी का गलत नहीं करना, तो वो रब बैठा है, तुहाडा गलत होण नहीं देगा। सो जिन्ना समझ आता है बेटे, उन्ना लिखी जाओ, बार बार कॉपियां ते लिखो। कोई प्रॉब्लम है मैनू कॉल कर लो, ठीक है बेटे? मैं हमेशा तुहाडे नाल हाँ। अज मैं फिर अगला चैप्टर और रिवाइज़ करवाण लगी तुहानू, दैट इज़ कपैसिटर, ठीक है? किसी बच्चे नूं नहीं समझ आया, जितनी बार मर्जी सुनो बेटा, कपैसिटर क्या है? सब तो पहला तां कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बारे थोड़ा जिहा तुहानू दसांगी। इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अज असीं डिस्कस करांगे बेटे, इहदे बेसिक्स जे, मतलब कैपेसिटर है की है, यूनिट्स की है उहदी, डेफिनेशन यूनिट्स दी, या अर्थ दी कैपेसिटी किन्नी हुंदी है, पैरल प्लेट कैपेसिटर दी किन्नी हुंदी है, प्रिंसीपल किस तरह इहदा, इदां दीआं छोटी छोटी गल्लां डिस्कस करांगे जिहदे विच्चों छोटे क्वेश्चन निकलने हैं। जिहड़े तुहाडे मेन 2 आर्टिकल है इस चैप्टर दे, उह फिर मैं तुहानू नैक्सट लैक्चर दे विच, नैक्सट वीडियो दे विच दसांगी, ठीक है? अज तुसीं आ छोटे क्वेश्चन वास्ते ये वाली वीडियो सारिआं ने देखनी है। सो कैपेसिटर है तुहाडा, सब तो पहला मैं डिफाइन करन लगी हाँ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कंडक्टर का काम की है, चार्ज नू स्टोर करना है ना, वो किन्नी कैबिलिटी है? जिदा मैं कहनी तुहाडा काम की है, तुसी याद करना है, हुण तुहाडे च किन्नी कैबिलिटी है कि तुसी किन्ना कि याद कर सकते हो? मैं तो वीडियोज़ बहुत पा दाँगी, सारा सिलेबस हो जाएगा अपना, है ना? तुसी किन्ना याद करते हो तुहाडे ते डिपेंड करता है, दैट इज़ योर कैपेसिटी, ओके? सो कैपेसिटी की है? एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, चार्ज नू स्टोर करन दी एबिलिटी, ओके बेटा? सो जेड़ा ये तो हो गई कपैसिटेंस, इनू डिनोट किदा करदे और कादे ते डिपेंड करती है जिहड़ी तुहाडी। ये ध्यान रखियो, जदों असीं किसी भी बॉडी नू चार्ज देना है कंडक्टर नू, वो पोटेंशियल ते डिवाइड करदा है, पिछले चैप्टर च पढ़िया होया है। सो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्लियर है बेटा? तो क्यों किन्ना होएगा, असी हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कॉन्सटेंट लगाई दा, दैट कॉन्सटेंट इज सी, और दिस बिकम्स सी इन टू वी। सो सी किन्ना बन गया तुहाडे कोल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की एक होर डेफिनेशन निकले बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल अप्लाइड, ओके? ये भी लिख सकते हो तुसी। ये जेड़ी डेफिनेशन है, ये तो असी यूनिट भी देखांगे की होंगे है, किस तरह उन्हें डिफाइन करना है, और ये तो ही असी कैपेसिटेंस के डायमेंशनस भी कढ़ सकते हैं, ठीक है बेटे? वो देखो हुण किदा कढ़ांगे, पहला असी कढ़दे हैं ये यूनिट्स। सारे बच्चों ने याद रखना है यूनिट्स की होंगे है, यूनिट्स जोड़े है ये ऐसे यूनिट आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ फैरड, फैरड एफ ही लिखा होएगा उ, ठीक है बेटा? फैरड ये यूनिट है। हुण फैरड नू जे डिफाइन करना आ गया पेपर दे विच, तां किस तरह करूँगे? कई बार लिखा होंदा ना डिफाइन द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, जे तो एक नंबर जे पूछा ना नेम द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फिर तो फैरड लिख दिता, दैट्स ऑल। अगर तुहानू डिफाइन करन नू कहा है, तो तुसी आ रिलेशन यूज़ करना है, 1 फैरड इज़ इक्वल टू क्यू दे यूनिट है कूलम, पोटेंशियल दे हैं वोल्ट। सो असी की करांगे, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरड इफ़ 1 कूलम चार्ज रेजेज़ द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, ठीक है? किसी कंडक्टर नूं आपां 1 कूलम चार्ज दिता, तो वह पोटेंशियल 1 वोल्ट इनक्रीज़ हो गया, अदों असी कहांगे कि वह की है कैपेसिटेंस, 1 फैरड है। याद रहेगी सारिआं नूं, वैसे भी तुसी प्लस 1 तो बनांदे आ रहे हो डेफिनेशन, रिलेशन तो है ना यूनिट दी डेफिनेशन, मेरे बच्चों आंदा होना मैनूं लगता है। सो इहनूं बना के देखना है सारिआं ने भी किस तरह डेफिनेशन बनती है, ओके? उस तो बाद इहदे डायमेंशनस करांगे राजे, डायमेंशनस दे विच यही वाला रिलेशन यूज़ होएगा,
डायमेंशनस वो मैं इधरले पास थोनू करके दिखानी है। देखो यूनिट्स हो गए सारिया के, डायमेंशनस है, डायमेंशनस बैटर है कि तुसी अपनी कॉपी ते लिख लिया करो जो सुनते होंगे हो वीडियो, उस तो बाद थोड़ा जहा रिकॉल करके अपना सोचो कि मैं की बोलिया है, फिर उन्होंने लिख लो कॉपी ते, चाहे थोड़े को नोट्स है गया है, जिन्ना लिखूंगे बेटे उन्ना ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस होएगी, उन्ना ही थोड़ा समझ भी ज़्यादा आएगा। सो डायमेंशन है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी दे डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं तो क्यू ते वी दे पता होने चाहिए डायमेंशन, ठीक है बेटे। हुण जिहड़ा वी है ये असी पोटेंशियल वाले चैप्टर च कीता होया है कि वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जे मैं यही वैल्यू इत्थे पुट कर दा तो सी दे डायमेंशन क्या बन जाएंगे, क्यू डायमेंशन डिवाइडेड बाय वी दी जगह ते वर्क दे डायमेंशन, आ जिहड़ा क्यू है ये स्क्वेयर, तुसी क्यू जिहड़ा मर्जी लै लो, ठीक है डायमेंशन तो सेम ही रहने। हुण की होएगा वर्क दे भी तुहानू पता है एफ डॉट एस करके कढ़ी दे असी, सो क्यू दे डायमेंशन होंगे ए इंटू टी, इहदा स्क्वेयर आ गया डिवाइडेड बाय वर्क दे की होणगे राजे एफ डॉट एस करके याद करो एफ दे होंगे एम एल टी माइनस टू, नाल उहदे डिस्टेंस लग गया सो एम एल टू हो गया। हुण इहदे डायमेंशन की बन गए राजे, डायमेंशन लिखो सारे बच्चे एम माइनस वन, एम उपर चला जाएगा एम माइनस वन, एल माइनस टू, एल माइनस टू, टी कितना हो गया राजे टू ऊपर है माइनस टू ए हो गया फोर हो गया टी फोर ए वन, ओके ही बनेगा यह डायमेंशन आ गए एम सफेरिकल कपैसिटर। सफेरिकल कपैसिटर की कपैसिटेंस असी किस तरह कढ़नी है, तुसी सुपोज कर लो कोई सफेयर है तुहाडे कोल, बहुत वड्डा सफेयर लै लो जिहदा रेडियस है आर, कैपिटल आर मैं इहदा रेडियस लै लिया, तुसी स्मॉल आर लै लो जो भी तुहाडा दिल करदा, ठीक है ये कोई बहुत वड्डा स्फीयर है, इहदे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है क्यू चार्ज है इहदे कोल, ठीक है कोई भी स्फीयर है इहदे कोल चार्ज जिहड़ा है वह असी लै लिया प्लस क्यू, ओके बेटे। हुण सानू की चाहिए कैपैसिटी कढ़न वास्ते सानू चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल वाला चैप्टर अपना खोल के देखो, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर इज़ गिवन बाय, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर इज़ गिवन बाय वो देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होएगा, ओके क्यू अपॉन आर ये तुसी लिख लेना है सारिया ने। उस तो बाद हुणे वैल्यू आपां सी दे विच पुट करांगे, सी कितना आ गया, सी इज़ इक्वल टू क्यू दी वैल्यू है क्यू, v दी वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी v दी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू क्यू, क्यू क्यू ना कैंसल हो जाना आ चीज़ थोड़ी उपर चलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। हुण देखो बेटा इन्नी कैपैसिटी है किसी सफेरिकल कंडक्टर दी चार्ज नू स्टोर करन दी, जे तुसी अर्थ लै लोगे ना ये जिहड़ा सफेयर है जे आपां उहनू अर्थ लै लईए बहुत ज़्यादा रेडियस है, तुहानू सारिआं नू पता है कि अर्थ लई आर इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर होंदा है, जे तुसी ये वैल्यू पुट कर दोगे इत्थे इहदी वैल्यू तुहानू पता है 1 अपॉन 9 इंटू 10 इज़ पावर 9 आ जाणी क्योंकि उल्टा है ना ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो उहनू असी उल्टा करके लिख देना है, आर दी वैल्यू थानू पता लग गई फॉर अर्थ, अर्थ ली फॉर अर्थ, जदों राजे तुसी इहदी कैपैसिटेंस कढ़ोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू है कैपैसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपैसिटेंस ऑफ अर्थ किन्नी आएगी, वह वैल्यू बहुत छोटी जी वैल्यू आनी है इन माइक्रोफेरेड्स, माइक्रोफेरेड्स आएगी ये वैल्यू जो तुसी कैलकुलेशन करोगे ना सारी राजे तो माइक्रोफेरेड दे विच आएगी। हुण मैं ये चीज़ तुहानू क्यों दस रही हाँ, देखो कई बार ना क्वेश्चन आता हुंदा कि एक फेरेड कैपैसिटी वाला कोई कंडक्टर सफेरिकल कंडक्टर बनाना पॉसीबल है कि नहीं है, या घर च होंदा एक फेरेड कैपैसिटी वाला, तो तुसी उहदा आंसर किद्दां देना है तुसी सोचो, जिहड़ी अर्थ सारी दी सारी अर्थ भी आपां लै लई तां वी साडी जिहड़ी कैपैसिटी आई है वह माइक्रोफेरेड दे विच आई है,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਰਡ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 1 ਫੈਰਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਸੀ ਸੈਂਟੀ ਮਿਲੀ ਮਾਈਕਰੋ, 10⁻⁶ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। 1 ਫੈਰਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਰਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਬੇਟਾ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚਾਰਜ ਭਰੀ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਯਾਦ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਏਗਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕੱਲਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਰਥ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਉਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਪੈਰਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟਸ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਲਏ ਸੀ ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ 3, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋਣੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ।
सो की लिखोगे तुसी लिखो सारे जाने लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ए एंड बी विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी आ रिलेशन तो सारियां नूं याद असी ड्राइव किया होया पहला पोटेंशियल ग्रेडियंट जिहड़ा ई दे बराबर हुंदा है सो सानूं पोटेंशियल चाहिए है तो ई इंटू डी बन जाएगा। हुण थोड़ा याद करो पैरल प्लेट के केस दे विच असी ई कढ़ी हुई सी इस प्लेट करके आएगी इत्थे ई सिगमा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए करके आएगी माइनस सिगमा अपॉन टू एप्सिलॉन दोनों नूं असी ऐड करांगे है ना ते डायरेक्शन दा ध्यान रखना है फिर ऐड करके तुहाडी टू जिहड़ा नीचे वाला ओह कैंसल हो जाणा तुहाडे कोल ई जिहड़ी है वी नो दैट ये सानूं पता है असी पिछले आर्टिकल तो चक रहे हैं सिगमा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सो वी कितना आ गया वी इज इक्वल टू सिगमा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी वी मिल गया चार्ज तो उन्हें पता है सिगमा दी वैल्यू क्यू अपॉन ए कर देनी क्लीयर सिगमा इत्थे पुट कर दिता हूँ असी कढ़ांगे कपैसिटेंस कपैसिटेंस होंदी है बेटे चार्ज अपॉन वी चार्ज क्यू है पोटेंशियल ए है जदों इहदे च पुट करूँगे तुहाडे कोल आंसर की आ जाएगा पुट करके कट के देख लियो आ तुहाडी कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिहड़ी है वो डी ते डिपेंड करदी है सेपरेशन किन्नी है एरिया किन्ना है क्लीयर है सारियां नूं। सो ये चीज़ तुसी याद रखनी है इस तो नैक्सट लैक्चर दे विच बेटा मैं तुहानूं कराऊंगी कि कैपेसिटेंस जिहड़ी है इस कैपेसिटर की हाले तक तो मैं अर्थ करन तक तुहानूं दस्सिया वध गई जे आपां इहदे विच कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं फिर किन्ना इनक्रीज़ होएगी जे डायलैक्ट्रिक स्लैब रखते हैं फिर किदा इनक्रीज़ होएगी सो वो सारिया चीज़ा असी नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। सारे बच्चे नूं ध्यान नाल सुनो देखो किदा एक एक नंबर दे क्वेश्चन निकलदे आ फिर तुहानूं सारिया नूं पेपर दे विच भी आसानी रहेगी बेटा ओके किसी ने भी घबराना नहीं है बार बार देख लो मैनू कॉल कर लो औखा लगता है तो ओके बेटा थैंक यू।